आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पे कॉल आपके फोन की सेंड नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ मतलब डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप होता है, इसे उंगली से दबा के रखना है। आपका ये छोटा सा पेज आएगा, इसमें देखिए ऐप इन्फो लिखा हुआ है, ऐप इन्फो पे टैप करना है, ठीक है। अब आपका ये फोन ऐप का ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ मतलब डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक काम ये भी करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है। ध्यान रखिएगा, सिम कार्ड को सिम ट्रे के स्लॉट 1 में लगाना है, उसके बाद फोन के अंदर डाल देना है, ठीक है। इससे भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आपको ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे की साइड आपको जो ना एक ऑप्शन शो हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका नीचे पेज आता है छोटा सा, इसमें इरेज डेटा पे टैप करेंगे, इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।